गाइस, मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैंने मॉडिफिकेशन की है। देखिए, इसके बारे में आज बात करेंगे, मॉडिफिकेशन। और एक और सरप्राइज़ है आपके भाई के पास, वह ये देखिए, ये ऑयल में यूज़ करने वाला हूँ अपनी। एक ट्रिप है जिसमें मैं ऑयल यूज़ करूँगा, मोटुल 300V 15W50। देखते हैं इसका क्या परफॉर्मेंस आता है, मैं उसका वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। आफ्टर राइड एक्सपीरियंस जो रहेगा उसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉडिफिकेशन की। तो देखिए, ये मॉडिफिकेशन मैंने जो करवाई है, इसमें मैंने रैक प्लेट लगाई है पीछे का, कैरियर स्टड्स का है, आप देख सकते हैं स्टड्स फिटिंग रैक। मैं आपको इसकी फिटिंग दिखा देता हूँ, ये कैसे हुई है। देखिए, हाँ ये देखिए, इसको फिट किया गया है। दो प्लेट्स हैं, ये सेपरेटली मैंने परचेस की थी ये प्लेट्स। इसके ऊपर मैंने पेंट मार रखा है, आप देख सकते हैं, ये वेल्डिंग कर रखी है, ये वेल्डिंग का निशान आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली वेल्डिंग मैं नहीं कराने वाला था, बट उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये जो प्लेट है ये नीचे आ जा रही थी, यहाँ से नीचे और इसके ऊपर टच हो रही थी, तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। जबकि मैं ऑलरेडी परचेज़ कर चुका था ये, और इवन ये चार प्लेट्स, तो मैंने सोचा कि वेल्डिंग कराते हैं तो वही बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज उसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी मजबूत है। मैं इसको डबल स्टैंड पे लगा रखा है मैंने गाड़ी, देखिए वो, मैं इसको पकड़ के गाड़ी को मूव कर सकता हूँ पीछे। इट मीन्स कि एटलीस्ट 5 to 10 kg मेरे हाथ से वेट जा रहा है, तभी ये पीछे को आ रही है, देख सकते हैं। आप चाहे तो कस्टम प्लेट भी लगवा सकते हैं इसमें, राइडिंग में कैसा परफॉर्मेंस देता है वो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। देखिए, अब बात करते हैं इंजन ऑयल की। कंपनी रेकमेंड करती है मिनरल ऑयल 10W30, बट मैं 15W50 ट्राई करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि एक्सट्रीम 200R का इंजन बहुत लाउड है, मैं आपको चालू करके भी दिखा देता हूँ इसकी नॉइज़। स्टॉप सिग्नल पे अगर आप खड़े हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ रहती है। क्लच में देखिए, इसकी नॉइज मैं थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ आपको, देखिए गाइस, आपको पता है टाइम देखिए 7:27, मौसम देखिए भाई साहब, मौसम चारों तरफ क्लाउड्स, तो आज इतना ब्राइट डे नहीं है आज का, देख सकते हैं। ये मैंने परचेस किया था करीब
900 समथिंग का। तो मेरे पास एक और सेट है इसका, क्योंकि हमारी गाड़ी में आता है 1.2 लीटर, तो ये है 1 लीटर। सो मैं इसको फ्यूचर में यूज़ करूँगा टॉप अप करने के लिए। देखते हैं जो भी परफॉर्मेंस आएगा, मैं आपके साथ सारी वीडियो शेयर करूँगा और कैरियर का कितना लोड तक मैंने इसके ऊपर डाला है और क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में डालिए, मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का। तो देखिए अभी तक यही मॉडिफिकेशन है मेरी गाड़ी में, तो नेक्स्ट अगर मैं कुछ करता हूँ तो आपके साथ ज़रूर वीडियो शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।